हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, पास्ट में चला या चल रहा है अभी करंट में, उसके आगे का आज हम देखते हैं। ठीक है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों में आगे क्या होगा, यानी कि आप लोग वापस से मिलोगे, आप लोग बिछड़ जाओगे, जो भी है वो सब चीज़ें मैं देखूंगी। या ये भी देखूंगी कि क्या आपके पार्टनर वो पुरानी बातें जो आप लोगों के बीच में हुई थी उन सबको भूलकर वापस से एक नई शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आज मैं देखूंगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, एक जनरल रीडिंग होगी, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो एक मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पड़ी जा रही हैं और एनर्जीज भी वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको रखना है ख्याल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे आप लोगों के बीच में, जो भी रिलेशनशिप है उस में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, पहले मैं कार्ड शफल करूंगी, देन मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, अगर कोई कार्ड गिरता है तो मैं वापस से डेक में रख लूंगी, देन फिर वापस से शफल करके फिर निकालूंगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएंगे जो भी व्यूअर्स है उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, उनके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स देखिए, मैंने अच्छे से शफल कर लिए हैं, देखते हैं क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। द स्टार, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है। वेरी नाइस गाइज, बहुत ब्यूटीफुल। उसके नीचे देखिए आप क्या आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, जस्टिस की एनर्जी आई है, डेथ की एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं गाइज। ठीक है, चलिए पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जीज आई है। जैसे यहाँ पे आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और हमारा यहाँ पे आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं गाइज। चलिए पहले ना थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज फिर से आ गया है। आज मैं एकदम से डिफरेंट टॉपिक लेकर बैठी थी, स्टिल ये थर्ड पार्टी फिर से आ गई है, ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो फिर से आ गई है, और उसके साथ ही ना यहाँ पर आ गया है नेगेटिव एनर्जी भी, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में ना आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट करा, बहुत ज़्यादा मतलब अपने अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को चलाया, और इस लिमिट तक चलाया जितना ये चला सकती थी। जब इस ये जो थर्ड पार्टी है ये नहीं चला पाई, तो इसने शायद आपके पार्टनर पे ना ये नेगेटिव एनर्जी भी यूज़ करी, एज इन कि इसने कोशिश बहुत करी कि आपके पार्टनर बिल्कुल फुल कंट्रोल में रहे इसके, और जब ये इस चीज़ में नाकामयाब होने लगी, यानी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ
ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इसने इस नेगेटिव एनर्जी का भी यूज़ करा। यहाँ पे ये चीज़ है, ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों के लिए होगा। जो भी है, इस लेडी ने ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, इस तरह से वो बेसिकली आप दोनों को ही कंट्रोल करना चाहती थी, चाहे वो आपके पार्टनर को आपके साथ रहकर हो, अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली दोनों को कंट्रोल करना चाहती थी, बट ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये एक पार्टनर यानी कि आपके पार्टनर को तो ये पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी। तो इसने ना पहले तो जैसे होता है ना कि कंट्रोल करने के लिए पहले अपने साम दाम दंड भेद सारे यूज करे, एज एन इमोशनली ब्लैकमेल भी करा, साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया, मतलब हर तरह से फाइनेंशियली भी इसने आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहा, जितना ये कर सकती थी करा, और उसके बाद भी इसका जी नहीं भरा, उसके बाद भी इसने आपके पार्टनर पर नेगेटिव एनर्जी डाली। ठीक है, आप दोनों देखिए इस तरह से प्यार करते थे, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, और फाइनली इस थर्ड पार्टी ने, ये जो भी लेडी फिगर है यहाँ पे, बेसिकली लेडी फिगर आई है, तो इसने बेसिकली कर दिया अपना काम, जो इसे करना था ना वो इसने कर दिया, इसने आप दोनों को जुदा कर दिया। आप लोग बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, आप दोनों आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ होती है ना गाइस, जो कोई कुछ भी कर ले वो ख़त्म नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है कि आप लोग प्यार अभी भी करते हो, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, लेकिन दोनों ही जगल भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही जगल कर रहे हैं, आप भी यहां पर जगल कर रहे हो। आपको भी कभी लगता है कि इस पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी आपको लगता है कि नहीं अभी वेट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब ऐसा आप दोनों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि यहां पर टू ऑफ पेंटिकल बीच में आया है। दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत करी जाए, बात करी जाए, पहल कौन करे, बेसिकली आप लोगों के बीच में ये हो रहा है। जो भी सिचुएशन हुई ना आपके बीच में, आप लोगों को रीज़न तो नहीं पता था कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों के ही दिल टूट गए, क्योंकि दोनों को ही ये लगा कि आपको अपने पार्टनर के लिए ये लगा कि आपके पार्टनर ने आप की बात नहीं सुनी, जितना आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते थे कि अगर आप उनसे दूर चले जाओगे तो वो आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे, सेम आपके पार्टनर के साथ हुआ कि वो आप, उन्हें ये लगा कि आप उनके पास वापस से आ जाओगे, उनके मनाने से आप आ जाओगे, तो एक तरह से दोनों की ना एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उससे क्या हुआ ना, दोनों के ही दिल टूटे, और मेन इस दिल को तोड़ने का रीज़न ये था, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहे, मतलब इसने तो मेन चाल चली, कैसे जैसे कहते हैं ना, दो जनों की लड़ाई में तीसरे बंदे का फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से मुझे आप लोगों की ये सिचुएशन लग रही है कि लड़ाई आप दोनों की थी, इस लड़ाई में, इस जगलिंग में ना इस तीसरे बंदे का फ़ायदा हो गया, बंदा या बंदी जो भी है। तो इस तरह से ना आप दोनों के दिल टूट गए विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड, बिल्कुल बहुत गहरे घाव लगे, ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत रोए, मतलब आप, मैं मीन आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा पढ़ रही हूँ कार्ड, तो मेरे को लग रहा है आप बहुत रोए, बेइंतहा रोए हो आप लोग, बहुत चीख चीख के, जैसे होता है ना दिल तो करता है चीख के रोने का, पर आप रो नहीं पाए, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये सब पास्ट की बातें मैं बता रही हूँ आपको कि ये सब आपके साथ हुआ, और प्रेजेंट की बात मैं ये बता रही हूँ, मतलब ये पास्ट की बातें थी और प्रेजेंट की बात आप दोनों ही ना आज जगल कर रहे हो। आप भी ये सोच रहे हो कि बढ़ा जाए साथ में, वापस से रिलेशनशिप कंटिन्यू करा जाए या ना जाए, क्योंकि इतना बीच में सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो अब आपको भी लग रहा है कि वापस से चीज़ें ख़राब ना हो जाए, ये पर्सन फिर से कंट्रोल ना करे, ये ब्लैक मैजिक फिर से ना हो जाए, उस तरह से आपको लग रहा है, और सेम आपके पार्टनर को ये लग रहा है। उनको शायद इस चीज़ की तो खबर भी नहीं है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन थी पास्ट की। लेकिन देखिए गाइस, मेरा क्वेश्चन था कि आप दोनों के फ्यूचर में, मतलब आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, बेसिकली आगे ये होगा, खुशी आएंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, शायद आप लोग जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आए हैं, यहाँ बच्चे आए हैं, फैमिली आए हैं, तो ये हो सकता है आप लोग का एक सपना था, ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो भी है, मतलब आप एक ऐसे फैमिली का सपना देख रहे थे, हो सकता है बहुत से तो इस तरह से रह भी रहे थे कि हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों, आप दोनों का
रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, खुशियाँ आएंगी ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड द स्टार कार्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप दोनों का वापस से रीयूनियन होगा गाइस। यहाँ पर इंटीग्रेशन का, रीयूनियन का, होप का कार्ड आया है, यानी कि थोड़ी बहुत आप भी होप लगाए बैठे हैं तो आपके पर्सन भी यहाँ पर होप लगाए बैठे हैं। तो बेसिकली खुशियाँ आपकी आनी ही हैं और आप लोगों का इंटीग्रेशन होना ही होना है। यहाँ पर आपकी एक हैप्पी फैमिली होनी है, जो आपका सपना था कि हाँ हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी, हम ऐसे पार्क में घूमेंगे, हम साथ में रहेंगे, हमारे बच्चे खेलेंगे, उस तरह से आपका ये जो सपना था ना वो सब मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये सब होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर तो फ्यूचर ब्राइट आ रहा है। मैं इसे और क्लियर करूँगी, डोंट वरी, कि क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना गाइस कि आपके पार्टनर ना, जब आप लोगों का फ्यूचर में ये इंटीग्रेशन होगा, आपकी वापस से फैमिली होगी ना, तो मुझे यहाँ पे विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल कार्ड ये भी लग रहा है ना, आप लोगों के पास मॉनेटरी फॉर्म में भी बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ठीक है, आप लोगों का क्या होगा ना, आप दोनों सेल्फ लव करना इस टाइम पीरियड में, जैसे ही सेपरेशन या ब्रेकअप का जो टाइम है ना, आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में एक चीज़ सीखी है कि आप लोगों को भी सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद यूनिवर्स ने ना आपको यही सिखाने के लिए बेसिकली अलग अलग भी किया था। लेकिन आप लोगों के साथ क्या होगा ना, फ्यूचर में इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा। आई नो ये थोड़ा और ज़्यादा का फ्यूचर हो गया है, लेकिन मुझे ये चीज़ दिख रही है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि आप लोग रहोगे फैमिली की तरह साथ रहोगे, लेकिन आप लोग अपने आप पे सेल्फ लव भी करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो ये बताता है बेसिकली जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, स्पेशली इस थर्ड पार्टी को लेकर या ये नेगेटिव एनर्जी को लेकर, तो जो भी आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो भी काफ़ी इंटेंसिटी से। ये घोड़ा मतलब खड़ा हुआ है, मतलब इसे किसी का वेट नहीं करना, किसी का सिग्नल का वेट नहीं करना, किसी के इंस्ट्रक्शंस के वेट नहीं करने, बस ये सडनली बस चल रहा है, बहुत इंटेंसिटी से चल रहा है। तो जो भी है, आप लोगों की खुशियां बहुत इंटेंसिटी से आते हुए, जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत इंटेंसिटी से होते हुए मुझे दिखाई दे रही है ख़त्म। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी है ना, वो रिस्क जो आपके पर्सन शायद नहीं ले रहे थे, वो रिस्क भी लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे और न्यू चैलेंजेस भी लेंगे। और ये जो भी पर्सन होता है ना, वो एक डीप कमिटमेंट के लिए आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो टेन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, यानी कि फाइनली ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये है आपके रिलेशनशिप का कि फ्यूचर होगा, ब्राइट होगा, आप लोग मिलोगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। उसके अलग मुझे ऐसा भी लग रहा है ना गाइस, हो सकता है आप लोगों की थोड़ी सिटी, जैसे आप अभी यहाँ रह रहे हो, आप और आपके पार्टनर हो सकता है अलग अलग रह रहे हो, सेम सिटी में रह रहे हो, जो भी है आपकी सिटी भी चेंज हो सकती है, आपका घर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक न्यू स्टार्टिंग करोगे, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होंगी ना कि आपको खुद नहीं पता चलेगा, समझ आएगा कि हो क्या रहा है, मतलब हो सब पॉजिटिव वे में रहा होगा, लेकिन आपको समझने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी से ये चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, अब ये देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है भाई, इतना मतलब इतना इंटेंसिटी से हो रहा है, तो इन सब का क्या हुआ, ये जो अभी करंट में और पास्ट में हो रहा था ना, इन सब का क्या हुआ, मैं इसको दूसरे डेक से देखती हूँ। श्री ये जानना है कि ऐसा क्या हुआ, मतलब एकदम से चीज़ें इतनी सॉल्व कैसे हो गई, मतलब इतना ब्राइट फ्यूचर कैसे हो गया, क्वीन कहाँ चली गई, नेगेटिव एनर्जी कहाँ चली गई, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ना मतलब घर कर रही हैं कि ये चीज़ें कहाँ चली गई। तो मुझे ये जानना है बेसिकली कि ये इन सब का क्या हुआ यहाँ पे, मैं इस डेक से ये चीज़ें देखती हूँ। ठीक है, ये सुनो बस, पहले मैं शफल कर रही हूँ, गिरेगा तो मैं वापस से उठा लूँगी। ये सुनो बस, मुझे बताइए कि क्या हुआ इन सब चीज़ों का, थर्ड पार्टी का क्या हुआ, डबल नेगेटिव एनर्जी का क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हुई। ये सुनो बस, मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से कैसे सॉल्व हो गई, क्या हुआ ऐसा यहाँ पे, रीज़न बताइए क्या हुआ यहाँ पे ऐसा, रीज़न बस मुझे बताइए। चलिए, मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिए हैं, अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ।
मुझे जानना है थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जी, आपके पार्टनर जो इतना आप लोग एक दूसरे को के लिए जगल कर रहे थे, उन सब सिचुएशन का ऐसा आखिर क्या हुआ? ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हो गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है गाइस, और देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया है, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। ओके, मुझे क्या लग रहा है ना गाइस, मेरा मेन क्वेश्चन था एक्चुअली कि ऐसा क्या हुआ सडनली कि आप लोगों का इतना ब्राइट फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है द एम्परर की, जो मुझे बता रहा है ना कि कल तक जो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे ना, वो उस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं विद दिस एम्परर कार्ड, क्योंकि उन्हें ना चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो मैच्योरली चीज़ों को समझ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग ना यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि वो मैच्योरली भी नहीं समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इतने मैच्योर भी नहीं है, तो कहीं ना यूनिवर्स और एंजल्स यानी कि एक मिरेकल्स ना उनके इंट्यूशंस के थ्रू उन्हें बता रही है कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको लगता है, हालांकि यहाँ पे द एम्परर और हाई प्रीस्टेस दोनों कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर की या तो इंट्यूशन खुद से उन्हें बताएगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ना आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो विद दिस टू ऑफ पेंटिकल कार्ड जगल करेंगे, यानी कि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होगा इन चीज़ों पे कि ऐसा भी कुछ है इस थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, आप लोगों को बेहतर पता है आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। जो भी है आपके पार्टनर ना तुरंत तो देखिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पार्टनर की ना इंट्यूशन बार बार उन्हें बोलेगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद फाइनली इन लोगों के बीच में शायद कोई लड़ाई झगड़े होंगे विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना, हाई प्रेस्टेस का कार्ड बेसिकली होता है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को बताता है कि ये मतलब अलग अलग करके रखता है कि ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यही चीज़ पता चलेगी कि ये नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है और ये पॉजिटिव एनर्जी है। उस चीज़ का ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आएगी। काफ़ी टाइम तक तो जगल करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये वो ऐसे से करेंगे, लेकिन उसके बाद फाइनली आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से, उस नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पर फाइट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली नेगेटिव एनर्जी से तो कोई फाइट नहीं कर सकता, उस थर्ड पार्टी से ही करेंगे आपके पार्टनर। उससे फाइट करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और फिर विद दिस टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इन दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ना, वो उसका तो एंड हो जाएगा। जो भी रिलेशनशिप है, ये कार्ड होता है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है एंड ऑफ रिलेशनशिप। आपके पार्टनर पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को फिनिश्ड कर देंगे, क्लोजर ला देंगे, और उन्हें समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये कार्ड होता है गद्दारी करता है जब कोई, विश्वासघात करता है कोई, और वो ऑब्वियसली वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ गद्दारी ही कर रहा था। तो उसके बाद ये फाइटिंग के बाद फाइनली यही होना है कि आपके पार्टनर इसके साथ जो भी रिलेशनशिप है ना उसका क्लोजर कर देंगे, उसमें एंडिंग ला देंगे उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि उस थर्ड पर्सन ने उन्हें बहुत गहरे घाव दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, हालांकि आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये तो उनकी डेस्टिनी में लिखा ही है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेगी विद दिस फोर ऑफ कप्स कार्ड, लेकिन आपके पार्टनर ना विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल कार्ड इन सब चीज़ों को ना दिल से लगाए बैठे रहेंगे। जो भी लोगों के बीच में
चल रहा था, ये जो थर्ड पार्टी कर रही थी ना, थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करेगी वापस से कन्विंस करने की, लेकिन आपके पर्सन ना ये सभी जो भी ड्रामा चल रहा था ना उसे सीने से लगा कर बैठेंगे, यानी कि अल्टीमेटली मैं कहूँ तो इसे माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि वो फाइनली ना इस थर्ड पार्टी से तो क्लोजर कर ही देंगे, उसके बाद बेसिकली आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में वो खो क्या रहे थे। मतलब ना तो उन्होंने आपको विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, उन्हें ये समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में इस पार्टी इसके ऊपर ही ये कार्ड आया है कि उन्होंने एक्चुअली में ना क्या खोया, इसकी वजह से उन्होंने अपनी क्वीन खोई। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, लेकिन इस क्वीन की वजह से उन्होंने अपनी ये प्यार भरी, जो उन्हें प्यार करती थी, उनके लिए हमेशा डिवोटेड रहती थी, उसको उन्होंने खोया है। ये आपके पर्सन को समझ में आएगा, आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि कभी उन्होंने तो इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं। आप मतलब उन्हें आपकी एक तरह से मैं कहूँ तो उन्हें आपकी कदर, उनकी आपकी वैल्यू ही समझ में आएगी कि आप कितने मदरली फिगर थे, सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। और ये सब चीज़ें जब आपके पार्टनर को समझ में आएगी ना, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का ना आपके पास बहुत जल्द कॉल, टेक्स्ट मैसेज या वो खुद से भी आएंगे। तभी यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया था, लेकिन बहुत इंटेंसिटी से चीज़ें होंगी, आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा ये चीज़ें कैसे हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ना ये चीज़ें हुई कैसे, तो बेसिकली ये चीज़ें हुई हैं इंट्यूशन वाइज, यानी कि गॉड की साइड से, मिरेकल की साइड से, उनकी खुद की, आपके पार्टनर की अंतरात्मा की साइड से, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये होता है एक डिसीज़न लेने का, जिस पर पर्सन पूरी तरह से सटीक होता है, और वो डिसीज़न था आपके पार्टनर का क्या, देखिए ये डिसीज़न था टेन ऑफ कप्स का, आपकी तरफ बढ़ने का, अपनी फैमिली वापस से कंटिन्यू करने का, अगर आपका सपना था तो अपने को पूरा करने का ये डिसीजन था। और ये जो होप लगाए बैठे थे ना रिकंसिलेशन करने के लिए बैठे थे, तो देखिए ये आया है एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, बेसिकली वो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड के नीचे क्या था, इक्वल गिव एंड टेक कब होता है, यानी कि दोनों अपने अपने लिए जीते हैं, दोनों को फ्रीडम होती है, साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन फ्रीडम भी दोनों को होती है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड की। ठीक है, बहुत इंटेंसिटी से ये सब चीज़ें होंगी आपके पार्टनर की, लेकिन कुछ समय तक ना ये जो चीज़ें होंगी, मतलब आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ने की जो चीज़ें होंगी वो बहुत स्पीड से होंगी। लेकिन इन चीज़ों को और देख लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी का की असलियत कब आपके पार्टनर के सामने आएगी, कि आप क्या थे और ये क्या कर रही थी उनके साथ, तभी आपके पार्टनर ना इसके ऑफ़र भी रिजेक्ट करेंगे कि भाई हमें तो कंट्रोल में रहना ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। देखते हैं ये चीज़ और देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी की असलियत या आपके पार्टनर की इंट्यूशन ना कब उन्हें ये चीज़ें बताएगी, ये देखते हैं, समय देखते हैं और एक बार श्योरिटी और कर लेते हैं कि हाँ क्या ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये चीज़ भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मुझे यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए ना फोर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे तीन बार फोर आया है, तो हो सकता है आपको ट्रिपल फोर भी दिखाई देता हो। फोर नंबर बेसिकली क्या होता है ना गाइस, ये होता है हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है, तो हो सकता है। और यहाँ पे तो देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आया था, ऑब्वियसली आप दोनों के दिल टूटे हुए हैं, आप बिल्कुल भी हील नहीं हुए हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करना चाहिए। उसके अलग फोर ईयर्स का, फोर मंथ ऐसे भी आप रिलेट करता होगा, जैसे चार साल का रिश्ता था आप लोगों का, या चार साल से चार महीने से प्रॉब्लम्स आ रही थी, उससे ज़्यादा लंबे समय का आपका रिश्ता था, या हो सकता है अप्रैल आपका आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़ गए थे, यहाँ पे तो थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जी भी आई है, तो ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोगों का सवाल है कि क्या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, तो जी हाँ। देखिए अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन को हर्ट कर रहा है, उसे उस चीज़ का पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे पे नेगेटिव एनर्जी डाल रहा है, ये मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, तो आप खुद बताइए क्या वो पर्सन उस पर्सन के पास जाना पसंद करेगा, फिर चाहे वो पर्सन उसके लिए कितना भी करीबी क्यों ना हो, कभी भी नहीं जाएगा वो। आप अपने आप को उस जगह पर रखिए, देखिएगा तो आप भी नहीं जाओगे कि अगर वो मेरे पे नेगेटिव एनर्जी दे तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, उससे डिस्टेंस ही बना लेगा वो दूसरा पर्सन। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पे, तो नेगेटिव एनर्जी भी आई है ना गाइस, ये चीज़ है। ठीक है, और देखते हैं
कब तक होगा। मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिए हैं, अब देखते हैं कब तक होगा। देखिए गाइस, द फूल का कार्ड आया है, यानी कि न्यू बिगनिंग तो आप लोगों के रिलेशनशिप में होगी ही होगी और बहुत जल्द जल्द होगी, काफी इंटेंसिटी से होगी। एक कार्ड और देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए थे ना, तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से, उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का कहीं ना कहीं गुड लक आपके साथ देगा। ये एक बृहस्पति का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ना मिलन तो होगा यहाँ पे गाइस, बिल्कुल होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार आप अगर होप खो रहे हो कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, देखिए मैंने आपको यही चीज बोली ना कि जो भी है ना शक्ति, मतलब भगवान की तरफ से ही इस डेविल को मारा जाएगा, और वही चीज यहाँ पर आई है कि ये शक्ति ही इस डेविल को मारेगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना यूनिवर्स और एंजल्स ही, उनकी इंट्यूशंस उस टाइम पे हाई करेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और फिर फाइनली इस नेगेटिव एनर्जी का तो यहाँ पर एंड होना ही होना है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब आती है बात समय की, कि कितना समय लगेगा, तो मुझे यहाँ पे 10 से लेकर 12 हफ्ते तो लग रहे हैं आप लोगों को। ये जो भी सिचुएशन है ना, जिस दिन आपके पार्टनर की इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी ना कि उन्हें ये समझ में आएगा कि माजरा क्या चल रहा है, तो उसके बाद तो चीज़ें बहुत इंटेंसिटी से होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे 10 से 12 हफ्ते 10 to 12 weeks मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा, अगर वो ऑलरेडी मेडिटेशन में है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो ये 10 से 12 दिन भी हो सकते हैं। तो इट्स डिपेंड आपके पार्टनर के ऊपर है कि भाई उनकी इंट्यूशन कितनी हाई है, कितनी वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, 10 से 12 हफ्ते तक ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, होना ये है, और ये सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पहले मैं कार्ड शफल करूँगी, देन मैं निकालूंगी। ये मैं वापस से उठा के रख रही हूँ, और मैं फिर से शफल करके फिर निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। उप्स, फर्स्ट वन इज़ हीलर ऑफ द एजेस, एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रोकन हार्ट। ऑब्वियसली मैंने तो आपको यहाँ पे भी बोला था गाइस कि आप लोग बहुत रो रहे हो, आप बहुत सैड एनर्जी में हो। ठीक है, और वही चीज़ आई है यहाँ पे, ब्रोकन हार्ट, आप लोगों का दिल टूट गया है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। तो आपको बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको ना हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो इन सब चीज़ों का, इन सब सिनेरियो का ना। ऑब्वियसली किसी के भी पड़ेगा यार, कोई भी टूट जाएगा। वही चीज़ आपके साथ हुई है कि आप बहुत बुरी तरह से टूट गए हो, और आपके लिए बेसिकली यही बोला जा रहा है ना कि आप सबसे पहले हील हो। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, हील नहीं होगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपनी ग्रोथ को रोके रखोगे। तो आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, आपको अपने दिल को, अपने हार्ट को ना बेसिकली यहाँ पर हील करना है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइज, आप लोग शायद ना इस रिलेशनशिप में जाने के लिए थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो। आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर वापस से गए तो वापस से यही चीज़ें होंगी, वापस से थर्ड पार्टी आएगी, ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। तो आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है ना, आप इन डिसीजंस के बारे में सोचने से पहले अपने आप को हील करो। जब आप हील हो जाओगे ना, तब आप डिसीजन भी खुद से ले पाओगे। टूटे हुए दिल से, या अगर बैलेंस्ड आपका इस टाइम पे ब्रेन नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो आप ऑब्वियसली कैसे डिसीजन ले पाओगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर गाइड करी जा रही है। ठीक है, एक और देख लेती हूँ मैं,
देखिए क्वेश्चन था ना हमारा कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे आपके पार्टनर के लिए था कि वो क्या बीती बातों को भूलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर तो बढ़ ही रहे हैं और आपको भी यहाँ पे यही सजेस्ट किया जा रहा है विद दिस हैप्पी फैमिली कार्ड। जी हाँ, आपको भी अगर आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड वो ऑफ़र आता है, वैसे भी वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आता है ना तो आपको भी हाथ बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग में ना गाइस दो बार हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे भी टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सी हैप्पी फैमिली एंड द हैप्पी फैमिली। तो ऑब्वियसली एक जो रिलेशनशिप में होता है ना कि फैमिली में, जैसे यहाँ पे देखिए बात होगी, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन होगा, बैलेंस होगा, तो ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर में लिखी हैं गाइज। तो आप ये सोचिए आपको भी कहीं ना कहीं ये पुरानी बातें छोड़ कर ना आगे बढ़ना होगा अपने पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ है। और आपको तब तक बिल्कुल वेट करना होगा जब तक आपके पार्टनर का खुद से नहीं आ जाता। ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में जाना, किसी को फोर्स करना ना, वो समझदारी नहीं है। यहाँ पर ये बेसिकली आपके लिए गाइडेंस आ रही है। पार्टनर आपके बिल्कुल आएंगे, आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे, उनकी इंट्यूशन बहुत जल्द हाई होगी। इस थर्ड पार्टी के सारे सीक्रेट, सारा ब्लैक मैजिक जो भी ये कर रही है ना, सब आपके पार्टनर को समझ में आएगा। आपके पार्टनर फाइनली अपनी सीट पर बैठने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम्परर की पोजीशन में आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बाय।